पाली जिले के सेंदड़ा ग्राम पंचायत सरपंच रतन सिंह भाटी ने रेलवे अंडरपास ब्रिज में जल भराव की समस्या को लेकर डीएफसीसी अधिकारियों को मौके पर बुलाकर इसके स्थायी समाधान की मांग की है। इसी के साथ रामगढ़ मोरी स्थित ब्रिज संख्या 463 के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार और सीसी सड़क के शीघ्र निर्माण और धोलिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पुराने भवन और आंगनबाड़ी केंद्र के मुआवजे की मांग की है। वहीं इन समस्याओं के शीघ्र समाधान नहीं होने की स्थिति में धरना और प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। इस मौके पर त्रिलोक रावला बाड़िया, मोहन सिंह बाघ, पूनम सिंह और बंटी भाई धोलिया सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। मतलब पूरा भवन डीएफसीसी की वजह से, रेलवे लाइन की वजह से, और हमारे को सिर्फ मुआवजा दिया गया शौचालय का और एक किचन का, और वो भी मुआवजा तहसील में जमा है। तो हम चाहते हैं या तो डीएफसीसी हमारे को बिल्डिंग बना के दे, नहीं बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, 8 कक्षाएं और ध्यान में ये 471 से इधर ब्रिज नंबर के नीचे बड़ी आरोपी के नीचे रेलवे क्रॉसिंग है ना, आरोपी के नीचे वाले इसके नीचे ये मेन आरोपी जहाँ एंड हो रहा है पार्टी।